Cioè, tu vedi? Bene. Ciamci. हां तो चतुर्वरी मैं क्या कह रहा था कि तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे फिक्र तो होगी ना टिल्लू। टिल्लू कौन टिल्लू? ये टिल्लू और कौन टिल्लू? ये मेरे बचपन का दोस्त है टिल्लू और मैं बिल्लू रजाई उड़ के। वेल सर आपका नाम है टिल्लू इज़दा, मेरी बीवी मेरे लिए लेके आई है एक छोटा सा पिल्लू इज़दा। शट अप सर। मिस्टर चौटाला, ये अटलांटिक बैंक के चेयरमैन है मिस्टर बिल्लू। मिस्टर चतुर्वेदी। सर क्या बात होगी जो आप इनके साथ खुद चौकी में आ गए? देखो मिस्टर चौटाला, ये एक बहुत ही राज की बात है और ये बात यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। बस सर आप फिक्र ना करिए, हमारे चौकी से कोई भी राज की बात बाहर नहीं जा सकती। गुड। नेवर सर। सर ये कॉन्फिडेंशियल फाइल बाहर सीढ़ी के पास गिरी हुई थी। सॉरी। हाँ सर बोलिए। मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली मैडम बात यह है कि हमारे शहर के एक रेप्यूटेड बैंक है, उसका नाम है अटलांटिक बैंक, उसका मैं चेयरमैन हूँ। और बीती रात मतलब कि कल रात को हमारे बैंक में डाका पड़ गया रजाई ओढ़ के। ओ माई गॉड, आपके बैंक में पड़ गया डाका इज़दा, मेरा भिड़ गया लप्पी लूथरा से टांका इज़दा। परेशान हूँ और ये लप्पी लूथरा के साथ टाके भिड़ाने की बात कर रही है। हाँ, रजाई उड़ के चुप। अरे सर देखिए, वो 150 साल का आदमी है सर, इस उम्र में हो जावे कुछ ढीले केमिकल रिया। आप मारे से बोलिए। कैरी ऑन। हाँ सर, ये बताइए, हमें बताइए कि बैंक में डाका किसने डाला है और ये सब कैसे हुआ? Yes! अगर ये मुझे पता होता कि डाका कैसे पड़ा और किसने डाला तो मैं यहाँ पे क्यों आता रजाई ओढ़ के? इतना तो पता होगा वारदात कितने बजे हुई है। टू बी प्रिसाइज रात को एग्जैक्टली 2:30 बजे रजाई ओढ़ के। इतना कैसे एग्जैक्टली आपको बह रहा है कि 2:30 बजे हुई वारदात? हमारे बैंक में CCTV कैमरा लगे हुए हैं, तो एक्चुअली रात को 2:30 बजे तक की फुटेज उसमें मिल रही है। मतलब कि 2:30 बजे के बाद के वो लुटेरों ने 2:30 बजे कैमरा बंद कर दिया होगा, तोड़ दिया होगा या तो ऑफ कर दिया होगा और बाद में बैंक में लूट चलाई होगी। और हाँ, लुटेरे बहुत ही शातिर है, पता ही नहीं चला, किसी को भनक भी नहीं लगी कि बैंक के अंदर लूट हो रही है। अच्छा, तो उसका मतलब ये है कि जिसने भी बैंक लूटा है उसे ये पता था कि आपके बैंक में CCTV कैमरा कहाँ का लगा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि हो ना हो ये किसी ना किसी आपके बैंक के एम्प्लॉई का काम लगता है, वरना पता कैसे चलेगा? करेक्ट सर। ये बताइए कि ये लोग बैंक में घुसे कहाँ से, ताला तोड़ के या जो है सुरंग खोद के? छत से आए। क्या के हमारी रेप्यूटेड बैंक है तो बैंक में किचन भी है और किचन में चिमनी है जो छत पे खुलती है, तो चिमनी के द्वारा वो लोग अंदर आ गए क्योंकि चिमनी के नजदीक एक रस्सी भी पड़ी हुई थी। हाँ रजाई उड़ के। सर आपने बताया कि आपके बैंक में किचन है, मतलब किचन है तो अच्छा खासा बढ़िया खाना बनता होगा सर, मतलब चाय कॉफी तो बनता ही होगा, लेकिन साथ में सैंडविच बर्गर मतलब कुछ भी भूख लग जाए कभी तो। हाँ मिनिमम 200 स्टाफ। आ बालक आइयो जरा। नहीं नहीं मैडम, अभी थोड़ी भूख लगी है मुझे। ये लोग चिमनी के रास्ते से आए, माल लेके गए कहां से? सेम रूट, बैंक चिमनी छत एंड आउट। वेल इतना कुछ गया हो इज़दा, वॉचमैन रहा था क्या सो इज़दा? टीम मतलब अब मुझे आप बताइए कि वॉचमैन कहाँ पे खड़े होते हैं? गेट के पास, मतलब कि गेट के अंदर या तो गेट के बाहर? तो बैंक के अंदर क्या हो रहा है वो वॉचमैन को कैसे पता चलेगा? हाँ रजाई ओढ़ के। कितनी रकम लूटी गई है?
5,20,00,000 रजाई ओढ़ के बस इतनी बड़ी रकम लूट ली गई और वो भी इतनी आसानी से। बात कुछ हजम ना हो रही मन्ने। आप फिक्र ना करिए मछुड़ाला, हम बैंक जाएंगे अपने इंटेलिजेंस टीम के साथ और बैंक में जाकर इंक्वायरी करेंगे। सर यू हैव अ प्राइवेट इंटेलिजेंट टीम? यस। हु सर? मिस्टर गुलगुले एंड गोप्स। थैंक यू सर। चेयरमैन है, थोड़ा रोप जमाना पड़ता है ना। जमाइए। क्या कुछ समझ में आ रहा है, हम क्या सोच रहे हैं? प्लीज कैरी ऑन। इंस्पेक्टर साहब, आप उसे जल्द से जल्द पकड़िए जिसने इस हमारे बैंक में डाका डाला या तो डलवाया। प्लीज आप उसे जल्द से जल्द पकड़िए। रजा उड़ के पकड़ लेंगे चेयरमैन साहब। पहले हमें ये बताइए कि इस तिजोरी की चाबी जनरली किसके पास रहती है? ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर। आइए आइए। आ गए। तुम हो अटलांटिक बैंक के मैनेजर? जी मैं हूँ लुटेरा। मैडम ये तो सामने से कबूल कर रहा है कि ये लुटेरा है। तू लुटेरा है? जी मैं हूँ लुटेरा। मैं ही क्या, मेरे तो डैडी भी लुटेरा थे और मेरे ग्रैंडफादर भी लुटेरा थे। Well, mom, ये तो लगता है खानदानी लुटेरा इस दा, मैं नागन तू सपेरा इस दा। अरे नहीं नहीं दादाजी, आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। मेरा नाम है LL लुटेरा। नीलू नेपाल में है। अबे नीलू तो नेपाल में मर रही है, तू जाएगा तिहाड़। सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, तिहाड़ में है ना मेरा साला हवलदार है, आपको वहाँ बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी ईमानदारी से। अरे चुप कीजिए श्रीवास्तव जी, नीलू नेपाल में है। अबे यो कौन है, नुकीला चुटिया वाला? जी ये हमारे बैंक के असिस्टेंट मैनेजर है मिस्टर श्रीवास्तव। नीलू नेपाल में है। ऐसा है LL लुटेरा, व्हाट अ नेम है। या भाई तुम्हारे बैंक में चोरी हुई है, डाका पड़ा है, ये तो बेरा ही होगा। और वो भी कोई ऐसा नहीं 2,000 का 10-20 लाख का, पूरे 5,20,00,000 का। भाई इतनी मोटी रकम चुर गई तो पुलिस की जो है एक टोली गई जो है मुआयना वगैरह करने, तो पता लगा कि जो क्या बोलते हैं तिजोरी जिसमें से माल गायब हुआ है वो तिजोरी तोड़ी ना गई बल्कि खोली गई है। Well, तिजोरी खोलने के लिए लगती है चाबी इसदा, कमाल के पकोड़े बनाती है पड़ोस वाली भाभी इसदा। हाय हाय। लाऊंगा जी कभी। और हमें पता चला है कि तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास रहती है। नहीं क्या ये सच है? नहीं बताओ बताओ बताओ, बोलो, घबराओ मत, बोलो बोलो, बताओ हमें वो तिजोरी जिसे लूटा गया है क्या उसकी चाबी तुम्हारे पास रहती है? बोलो बोलो, चुप मत रहो, बोलो, खामोश मत रहो, तुम्हारी खामोशी तुम्हारे लिए जेल का पासपोर्ट बन सकती है। लोरी गा के अपने अंदर के वकील ने सुला, वरना एक लोरी मैं गाऊंगी, मौत की लोरी। सॉरी क्या चाबी वाले हैं, चाबी रखने का घना शौक है मैनेजर को, तो भाई चाबी तू देने गया था या वो लुटेरे आए थे चाबी लेने? अरे ये क्या बात कर रही हैं आप मैडम। हाँ ये सच है कि बैंक के लॉकर की चाबी मेरे पास रहती है मैडम, लेकिन इस लूट में मेरा कोई हाथ नहीं है, नीलू नेपाल में है और मैं चाबी को अपने सीने से ऐसे लगा के रखता हूँ जैसे जैसे बैंक की कैशियर सीमा जी को ईमानदारी से। अरे चुप कीजिए श्रीवास्तव जी, नीलू नेपाल में है। Well, डकैती डालने के इल्जाम में हम आपको करते हैं अरेस्ट इज़ द, आई थिंक यही रहेगा बेस्ट इज़ द। हाँ? Yeah!
अरे नहीं नहीं दादाजी, देखिए आप लोगों से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। जी हाँ, ये सच है कि चाबियाँ मेरे पास रहती है, लेकिन मैडम मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं कि लुटेरों के पास ये चाबी कहाँ से आई। नीलू नेपाल में है, मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ मैडम। हाँ, किसकी कसम? माँ की। जी माँ की कसम, माँ माँ। चलो ठीक है भाई, माँ की कसम खाई है तो तू जा, पर यो मत समझना कि तू शक के घेरे में नहीं है, क्योंकि शक के दायरे में बैंक का एक एक कर्मचारी है, और शहर से ज्यादा इधर उधर जाने की, घूमने शहर सपाटे वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी वक्त, किसी भी मोमेंट, किसी भी जो है क्षण, रात बिरात, दिन सवेरे बुलाया जा सके। इब निकलो, और तू पहने नुकीले बच्चों के गुब्बारों से दूर रह तू। नीलू नेपाल। हाँ चल चल नीलू। जी मैडम, आप बिना एक नंबर की बोली हैं। अरे मैडम, तिजोरी की चाबी इस आदमी के पास रहती है, और तिजोरी को तोड़ा नहीं गया बल्कि उसे खोला गया है, तो मैडम जाहिर सी बात है यही इन्वॉल्व होएगा ना मैडम। भाई इसमें ऐसा कुछ भी जाहिर ना है, इट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। कई बार खिलाड़ी कोई और होवे और गोल कोई और मार ले जावे। वेल मॉम, व्हाट द यू द मीन इज द, मैं नहीं हूं इतना ज़हीन इज द। हां वो सब ने बेरा है। अबे यो कहां जाएगा, इसको तो कभी भी अरेस्ट कर लेंगे। फिलहाल वो जो तिजोरी है उसका ताला खोलना कोई आसान काम ना है। जरा पता लगाओ कि ऐसी चाबी कौन बना सके पूरे शहर में, और फिर उसके मुंह का ताला खोलो। ओके, आर यू प्लेइंग विद माई फोन? आई डोंट हैव प्लेइंग योर सेल फोन इन द चौकी। व्हाट यू डोंट हैव? ब्रेन्स। या दिस वन। दिस वन। या गिव मी 5। जब चली ठंडी हवा, तब उठी काली घटा। Excuse me, gentlemen, चाबी वाले, हमको एक चाबी बनानी है। अरे तो हमने कब कहा कि तुम्हें दाढ़ी बनवाना है? झल्लू झल्ला गया। ओ झल्लू झल्ला गया? क्यों भाई झल्लू, क्यों झल्ला गए यार, क्या हो गया? तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारे साथ फिल्म देखने से मना कर दिया, या तुम्हारी अड़ोसन तुम्हारे साथ कॉफी पे जाने से ना कर दी? अरे यार तुम चुप रहो, समझे ना, और चाबी बनवाने आए हो तो यहाँ पे चाबी की बात करो, समझे ना। ये अड़ोस पड़ोस वाली भाभी की बात मुझसे मत करो। झल्लू झल्ला गया। Well, हमने चाबी बनवानी है एक खास इस दा, गधा खाता है घास इस दा। whatever, I'm sorry, इसके वजह से I am sorry. वैसे इसकी शक्ल देख के हमें नहीं लगता कि हम जो चाबी बनवाना चाहते हैं ये वो बना पाएगा, तो आई थिंक वी शुड गो। चलते, बाय बाय, थैंक यू। एक मिनट भाई साहब, कहाँ चल दिए? अरे क्या बात कर रहे हो, झल्लू झल्ला गया। अरे दुनिया में ऐसी कोई चाबी नहीं है जिसको ये झल्लू बना ना सके। अच्छा वो जरा चाबी दिखाइए जो आपको बनवानी है, लाइए। यू कैन मेक हर चाबी। हाँ और क्या है? तो ये जरा चाबी बना के हमें दे दो प्लीज। वो नहीं, मैं इस टाइप की चाबी नहीं बना पाते। अरे भैया ये कोई साधारण चाबी नहीं है, हमको तो लगता है किसी बैंक के लाकर की चाबी है ये। अच्छा हाँ, और क्या? हाँ झल्लू झल्ला गया। हाँ ये बात तो तुम्हें पता ही होगी, क्योंकि ऐसी चाबी तुम पहले भी बना चुके हो, अटलांटिक बैंक की तिजोरी की चाबी। और हमें यह भी पता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चाबी नहीं है जो तुम नहीं बना सकते, और ये चाबी भी तुम नहीं बनाई है। नहीं, मैं नहीं। वो बंद करो अपनी दुकान इज़्ज़ा, अब तुम बनोगे सरकारी मेहमान इज़्ज़ा। दादाजी तुम क्या बोल? एक्सक्यूज मी, हम बताते हैं भैया, गुलगुले, गोपी, हा?
चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे और तुम चलोगे चौकी. यू आर अंडर अरेस्ट. तो तू है वो चाबी वाला जिसकी सहायता से इतना बड़ा जो है कांड हो गया यार. नहीं 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 मैडम, अरे हमारा उस बैंक की डकैती से कुछ लेने देना नहीं. झल्लू झल्ला गया. झल्लू तो झल्ला आएगा बाद में, पहले तो तू झल्लाएगा. जब पढ़ेंगे ना एक एक करके गर्मा गर्म रेपटे चाटे लपड़. मैडम जी घूसे. मैडम जी मेरा नाम झल्लू है, झल्लू झल्ला गया है. मैडम ये बात सच है कि ऐसी चाबी हमने बनाई थी जैसी चाबी आप लोगों ने हमें दिखाई थी. yes! लेकिन मैडम हमको क्या पता कि वो डाका डालने के लिए चाबी हमसे बनवा रही है. एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोमेंट प्लीज. वेल अबे चल चल. वेल तुम्हारे कहने का मतलब है जिसने बनवाई ये चाबीज दा वो नहीं था भाई साहब बल्कि थी पाबीज दा. अरे हाँ दादाजी, अरे हमारे पास जो ऐसी चाबी बनवाने आई थी ना वो औरत थी. वेल तुम्हारे कहने का मतलब है जिसने बनवाई ये चाबीज दा वो नहीं था भाई साहब बल्कि थी पाबीज दा. अरे हाँ दादाजी, अरे हमारे पास जो ऐसी चाबी बनवाने आई थी ना वो औरत थी. झल्लू झल्ला गया. उसकी शकल पहचाने है तू औरत की? मैडम जी वो क्या ना कि एकदम से तो याद नहीं है, झल्लू झल्ला गया. क्या करते हो यार, एक औरत का चेहरा कैसे भूल सकते हो तुम? मुझे तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, एक बार किसी लड़की या औरत का चेहरा देख लूं तो बस आंखों में बसा लेता हूं. मेरा मतलब है मैं उस शक्ल को याद रखता हूं. ऐसा है दिमाग पे जो है जोर डाल हाँ? और अगर नहीं आ रहा यार तो जो सामने वाली दीवार है ना उसमें मैं 3-4 बार पटकूं थारा भेजा, फिर कुछ शिफ्टिंग हो फर्नीचर चेंज हो थारे भेजे में तो शायद याद आ जाए. मैडम याद आ रहा धीरे धीरे. ओहो धीरे धीरे नहीं फुल याद कर. वो देख सामने हमारे हैं स्केचिंग आर्टिस्ट, इनका नाम है मिस्टर डोनाल्ड. तो यो डोनाल्ड को डिस्क्रिप्शन दे तो कैसा जो है उसका चेहरा था, आंखें वाखे बाल वगैरह बढ़िया तरीके से बताया. यो थारा सुन के डिस्क्रिप्शन चित्र बनाएंगे, फिर वो चित्र तू देख और कंफर्म करके बता कि वही है कि नहीं है. ठीक है, और अगर है तो पकड़ेंगे उसे हम. अबे डकैती हुई है, कोई जेब वेब ना कटी. ठीक है मैडम, झल्लू झल्ला गया, मैं बता रहा हूँ. ए डोनाल्ड भाई बना भैया ऐसे. अरे हाँ डोनाल्ड, कितना बन रहा है अभी, बना कि नहीं? हाँ जी बन गया. ए देखिए मैडम. अरे मैडम जी बिल्कुल यही औरत है मैडम जी, यही औरत है. झल्लू झल्ला गया. वेरी गुड. तो ये औरत है इस लूट की पहली कड़ी. अरे कड़ी मैडम, कड़ी तो मुझे बहुत पसंद है मैडम, और कड़ी में एक बार अगर पकौड़ी भी हो ना तो वो. बैंक जाओ और पता लगाओ ये औरत कौन से. आइयो जरा, एक आध चीजें चाहिए. चल चल चल. हेलो कहिए, सीमा भार्गव आपकी क्या सेवा कर सकती है?